नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। दतिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सम्मानित होने के पश्चात दतिया आए कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि एक लोक सेवक के नाते हमारा फर्ज है कि जहां शासन ने हमें पद स्थापना दी है, हम उस स्थान के लोगों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करें। कलेक्टर दतिया जिले को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार उपरांत शुक्रवार मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर कुमार का पत्रकारों ने सम्मान भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को जो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जिले को प्रदान किया गया है, उसे प्राप्त करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों का भी सहयोग एवं योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार हमें आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। अब हमारी अपने कार्य के प्रति और अधिक जवाबदारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अब हमें अन्य क्षेत्रों में भी रूटीन कार्य की अपेक्षा बेहतर कार्य कर लोगों को सेवाएं देना है। खुशी है आप सभी को अवगत कराते हुए कि प्रधानमंत्री एक्सलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2021 का पुरस्कार दतिया जिले को भी मिला है। पूरे देश में जिन 16 जिलों को पुरस्कार मिला है उसमें से एक दतिया जिला भी है। पूरे देश में कुल 705 जिलों ने नॉमिनेशन किया था इस पुरस्कार के लिए 2021 में। तकरीबन 2000 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ आई थी, नामांकन आए थे और उसमें से 16 जिले चयनित हुए और उसमें दतिया जिले का भी एक प्रयोग मेरा बच्चा अभियान, जो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उस समस्या से निजात पाने के लिए, जो कुपोषण की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए, कुपोषित बच्चों का कुपोषण से सुपोषण की यात्रा कराने के लिए एक मॉडल बे में पिछले 2 साल से काम हुआ और उसके फलस्वरूप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 दोनों के बीच का डेटा का जो अंतर है वो इतना सिग्निफिकेंट था, इतना अच्छा था कि फाइनली हम लोग पुरस्कार के लिए चयनित हुए। इसमें जो माल न्यूट्रिशन का जो रेट है, अर्थात जिस दर से बच्चे कुपोषित होते हैं, उसमें पिछले 2 सालों में 17% की कमी आई। इसी प्रकार से डायरिया के रेट में कमी आई, एनीमिया का जो रेट है गर्भवती महिलाओं में और एडोलेसेंट गर्ल में और बच्चों में, उसमें कमी आया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो बहुत ही मेजर इंडिकेटर होता है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, अर्थात संस्थागत प्रसव काफ़ी बढ़ गया। एंटीनेटल चेकअप जो बच्चों के जन्म के पहले जो 4 प्रकार के चेक होते हैं समय समय पे, उसके दर में काफ़ी वृद्धि हुई। जो पोस्टनेटल चेकअप होता है बच्चे के प्रसव के बाद जो बच्चों का जो चेकअप होता है उसमें वृद्धि हुआ। टीकाकरण का जो दर है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 और नेशनल फैमिली सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तुलनात्मक रूप से जो वृद्धि हुआ वो उल्लेखनीय था और उसके कारण हम लोग भारत सरकार को ये समझाने में सफल रहे कि कुपोषण से लड़ने का जो हमारा जो दतिया मॉडल है वो। नई दिल्ली में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से दतिया जिले को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री एक्सलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है। ये ट्रॉफी माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हम सभी को हैंड ओवर हुआ है। बड़े ही गर्व का विषय है दतिया जिले के लिए, हम सभी के लिए, एज एन ऑफिसर मेरे लिए, कि हम सभी के द्वारा जो पिछले 1.5-2 सालों में दतिया ज़िले में हम लोगों ने लोक सेवा के क्षेत्र में काम किया उसकी सराहना केंद्र सरकार के स्तर पे की गई है और ये ट्रॉफी हम सभी को माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए जो हमारा जो एडॉप्शन की प्रणाली थी उसमें जो हमारा मेरा बच्चा जो अभियान था हमारा, उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और हमारा जो मॉडल है उसकी सराहना करते हुए उसका चयन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। यहाँ से हमें इस बात के लिए प्रेरणा मिलता है
कि हम सभी और लोक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में और बेहतर काम करेंगे और मध्य प्रदेश का और दतिया ज़िले का नाम हम और आगे ले जाएंगे और इसका फ़ायदा हमारे जो जनमानस है जिनकी सेवा के लिए हम सब सरकार की ओर से तैनात हैं, आम आदमी को इसका समुचित लाभ मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।